नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। तरन तारण से पंजाब सरकार ने आज नशा छुड़ाने के लिए एक बड़ी, ये कहा जाए कि अभियान का जो है शुरुआत कर दी है। और क्योंकि तरन तारण जो है नशा, यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी केंद्र जो है तरन तारण माना जा रहा है, और इसीलिए पंजाब सरकार और एसटीएफ की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत जो है यहाँ से तरन तारण से की गई। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्पेशल टास्क फोर्स के डायरेक्टर जनरल सिद्धू जी। आपका स्वागत है जी मीडिया में, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू सिद्धू साहब। कैसे मुक्त होगा पंजाब नशे से? क्या ऐसे अभियान चलाने पड़ेंगे तरन तारण में नहीं, पूरे पंजाब में? जी, ये पंजाब सरकार की नशा मुक्ति की 3-pronged स्ट्रेटजी है जी, जिसको हम EDP स्ट्रेटजी कहते हैं जी। फर्स्ट पार्ट इज एनफोर्समेंट, जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ना जी, उनको सप्लाई को बंद करना। दूसरा है डी एडिक्शन, डिमांड घटाने के लिए जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं जी, उनको डी एडिक्ट करवाना। और तीसरा है प्रिवेंशन जी। आज का जो प्रोग्राम था दैट इज रिगार्डिंग प्रिवेंशन जी। प्रिवेंशन में दो प्रोग्राम है, वन इज ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर प्रोग्राम यानी डेपो, और दूसरा है बड़ी प्रोग्राम। आज डेपो प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरुआत CM साहब ने की है जी। डेपो प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो डेपो प्रोग्राम अगर आम जनता को समझना हो तो इससे क्या समझा जाए? डेपो प्रोग्राम का बेसिक मतलब ये है कि नशा रोको अफसर जी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो जनरल पब्लिक पे कॉन्सेंट्रेट करता है। अपार्ट फ्रॉम द एडिक्ट इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द जनरल पब्लिक एंड इट बिल्ड्स अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। जो नशा रोको अफसर है उसकी 3 ड्यूटीज़ हैं। एक तो जो एडिक्ट्स हैं उनके मोहल्ले में या लोकेलिटी में उनको कन्विंस करके, मोटिवेट करके उनकी डी एडिक्शन फैसिलिटेट कराना। दूसरा, जो संवेदनशील स्थिति में है, जिनके पेयर ग्रुप में ड्रग यूज़ हो रही है या जिनकी फैमिली में हो रही है, उनको प्रोटेक्ट करना बाय बिल्डिंग द डिफेंसेस इन एडवांस, उनको काउंसिल करना और उनको पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लेके जाना। तीसरा, ओवरऑल गांव में, शहर में अवेयरनेस इसकी रेज करना। ये एक डोरस्टेप मॉडल है और जो कुछ काम करना है उन्होंने खुद अपनी गली अपने मोहल्ले में ही करना है, कहीं बाहर जाके करने की जरूरत नहीं। तो ये अभियान कब, कैसे ग्राउंड पे काम करेगा, कब तक चलेगा? हमारी ये सोच है कि ये अभियान तो कंटिन्यूस रहना चाहिए, क्योंकि इसके साथ और कई गवर्नमेंट की स्कीम्स और पब्लिक की भलाई की चीज़ें इसके साथ जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन इनिशियली ये टारगेटेड है ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन पे, और क्योंकि लोकेलिटी बेस्ड है, ये सारे वॉलंटियर हैं, हम उनको कुछ पे नहीं करते हैं, वी जस्ट ट्रेन देम एंड वी गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। पब्लिक के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, अगर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो वो आगे अपने बच्चों का, मोहल्ले का, स्टेट का और देश का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ग्राउंड पर इसका असर, ग्राउंड जीरो पर, ये कहा जाए कि पंजाब में कब तक दिखना शुरू हो जाएगा, कितना वक्त लगे? मेरे हिसाब से अभी हम फेज़ 2 में हैं और असर तो फेज़ 1 से ही शुरू हो गया था। फेज़ 1 में हमने करीब 4.8 lakh डेपोज ऑल अराउंड द स्टेट एनलिस्ट किए थे। CM साहब ने नवाशहर से इसको लॉन्च किया था, उसके बाद हमने उनकी ट्रेनिंग शुरू की। अब सेकेंड फेज़ है जहाँ उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको कहा है कि जाके वो काम करें। सो इसके इन्वेस्टमेंट से ही इसके पॉजिटिव इफेक्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि लोग आगे आ रहे हैं और काम करना चाहते हैं इसके बारे में, इस प्रोग्राम में। सो आई थिंक इट विल ग्रेजुअली कीप बिल्डिंग अप और आई एम होपफुल के विद इन फ्यू वीक्स वी शुड बी गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, इवन बेटर देन नाउ। Few weeks, you mean, sis, if we say in next 6 months, results will be showing? Definitely, definitely. What this program does is, apart from being cost-free for the government, it gives the public an opportunity to contribute directly. जो काम वो direct कर सकते हैं, अगर वो एक शख्स को de-addict कराते हैं, तो वो सारा मोहल्ला उसके साथ, अगर एक है addict वहाँ पर, तो सारा मोहल्ला उसके साथ safe होता है, फैमिली बचती है, और उसका रिजल्ट वो इमीडिएट देख सकते हैं। द मोमेंट द ट्रीटमेंट स्टार्ट्स, वो जो ड्रग अब्यूज विक्टिम है वो हफ्ते 8 दिन 10 दिन में स्टेबल हो जाता है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आने लग जाता है जी। हरप्रीत जी, 3 phases की आपने बात की, थर्ड फेज कौन सा? नहीं, मैंने 3 प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी। प्रॉन्ग, हाँ। सो वन इज एनफोर्समेंट, डी एडिक्शन एंड प्रिवेंशन।
प्रिवेंशन में दो फेज हैं, एक तो डेपो जो मैंने समझाया, दूसरा बड़ी प्रोग्राम है। तो आज सीएम साहब ने कहा है कि बड़ी प्रोग्राम अक्रॉस द स्टेट लॉन्च करना है। पहले बड़ी प्रोग्राम सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने नवंबर में पायलट प्रोजेक्ट करके देखा कि कुछ कमी है, कुछ एडजस्टमेंट करने वाली है, उनको हम कमियों को दूर करके अब अक्रॉस स्टेट लॉन्च करेंगे। बड़ी प्रोग्राम इज़ बेसिकली एक बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उनको एक फ्रॉम 2 to 5 चिल्ड्रन, 5 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते, उस बच्चों का जो एक ही सेक्शन के होते हैं, एक ही क्लास के होते हैं, उनको 5 क्वेश्चन के बारे में हम नॉलेज देते हैं और स्किल अपग्रेड करते हैं। नंबर 1 नॉलेज अबाउट ड्रग्स, नंबर 2 बड़ी प्रोग्राम में आपने कैसे काम करना है अपने दूसरे 4 बडीज़ के साथ, नंबर 3 अगर आपको ड्रग्स ऑफर करते है कोई नोन या अननोन, उसको आपने मना कैसे करना है। अगर आप सिंपली बच्चे को कहो कि आप मना कर दो तो वो नहीं कई बार कर पाता, क्योंकि उनको स्किल डेवलपमेंट नहीं होती उनकी कि कैसे करना है, तो उसके बारे में हम उनको ज्ञान देते हैं। चौथा, अगर आपका कोई बड़ी नशा ले रहा है तो उसमें कौन से साइंस हैं जिसके साथ आप रिकग्नाइज कर सकते हो, एंड फिफ्थ व्हाट टू डू अबाउट इट, डू यू टेल द टीचर, डू यू टेल द पेरेंट, डू यू टेल योर ओन पेरेंट, सो वी स्किल देम ऑन ऑल दीज 5 पॉइंट्स। जी, इन्फोर्समेंट की अगर बात करें तो किस तरह एसटीएफ जो है ग्राउंड पे काम कर रही है और कितनी कामयाबी जो है पिछले एक साल में आपको एसटीएफ को मिली है? देखिए, एसटीएफ अकेला काम नहीं करती, इन्फोर्समेंट में वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पुलिस के सारे विंग्स के साथ काम करती है। जैसे कि डी एडिक्शन और प्रिवेंशन में हम हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ करते हैं। आई थिंक वी हैव बीन रीजनेबली सक्सेसफुल। पिछले एक साल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर मोर देन 17,000 लोग अरेस्ट किए हैं, एंड वी हैव हैड बिग रिकवरीज ऑल्सो, एंड लार्ज नंबर ऑफ FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड। जो सप्लाई लाइन है वो चोक्ड है, अब ज़रूरी है कि डिमांड घटाएं, ताकि डिमांड घटाने से फिर ड्रग्स का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली कलेप्स होता है। स्टडीज शो दैट $1 स्पेंट ऑन डी एडिक्शन एंड रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू $17 स्पेंट ऑन लॉ एनफोर्समेंट। आप कह रहे हैं कि सप्लाई लाइन जो है वो चोक हो चुकी है, जो सीमा पार से जो नशा आता था उसमें कमी आई है, क्या अभी भी कुछ जारी है? आप ऐसे कह सकते हैं, हमारी रिकवरी ऑफ अटेम्प्ट्स टू स्मगल नशा इनटू इंडिया इज मच बेटर बिकॉज हमारी कोऑर्डिनेशन BSF के साथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन कई सप्लाई लाइंस होती हैं, उनको शट डाउन करते हैं, देन दे ट्राई, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत है, स्मगलर ट्राई करते हैं किसी और रूट से ले आए, बट हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और डिप्लॉयमेंट भी बड़ी है हमारी जो सिस्टर एजेंसी है उनकी, और हम मोर ऑर लेस नशा के ऊपर पूरा चोक किया हुआ है जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर आता था। जी, यू सिंह की आपको सफलता मिली है, सक्सेस मिली है, क्या बड़े तस्कर, बड़े जो नशे के सौदागर हैं उनके ऊपर भी एसटीएफ ने शिकंजा कसा है, वो जेल में है या कुछ बाहर है? हमारे लिए और जो NDPS एक्ट है उसके लिए जो भी नशे की स्मगलिंग करता है चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी है। हमने काफ़ी बड़े तस्कर पकड़े हैं जिसमें बड़ी क्वांटिटीज़ के हैं, रिपीटेड ऑफेंडर हैं, रिपीट कई कन्विक्ट्स भी हैं उसमें, लार्ज क्वांटिटीज़ के साथ पकड़े जाते हैं, सो वी मेंटेन प्रेशर ऑन देम ऑल्सो। लेकिन इसके कारण हम मिडिल लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैनॉट इग्नोर द मिडिल लेवल या द स्मॉल लेवल, क्योंकि वो स्ट्रीट लेवल पर जाके लोगों को काफ़ी तंग करते हैं। बड़े मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं वो देश छोड़ के जा चुकी हैं और उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, तो ये बड़ी मछलियां कौन हैं जो देश से बाहर हैं? देखिए, ऐसे है, काफ़ी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो यू कैन से कुछ देश छोड़ के चले गए, कुछ बाइंदाएँ चले गए, उनके ऊपर हमारी नज़र है। द मोमेंट वी गेट एनी डेफिनेट डिटेल्स वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। सेंट्रल एजेंसीज आर हेल्पिंग यू इन दिस? मदद ले रहे हैं सेंट्रल एजेंसी? हमारी NCB के साथ और बाकी एजेंसीज के साथ काफ़ी हम इन टच रहते हैं और कार्रवाई चलती है। मदद मिल रही है? बिल्कुल पूरी। बड़ी मछलियों की बात की जाती है तो बड़ी मछलियां, ये भी कहा जाता है कि कुछ बाहर हैं कुछ अंदर है, उन पर भी शिकंजा कसेगा चाहे बड़ी मछली कितनी भी बड़ी हो? हाँ, डेफिनेटली, वो तो CM साहब ने पहले कह ही दिया, देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू रिपीट इट, CM हैज़ गिवन अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट। जी, और STF के सामने अगर चुनौतियों की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो क्या चुनौतियाँ? देखिए, हमारी चुनौती तो ये है कि
हम अपना मोमेंटम और टेम्पो मेंटेन कर सकें। जिस हिसाब से हमने शुरू किया उसका अगर मोमेंटम मेंटेन होता है आगे आने वाले समय में वील बी वेरी सक्सेसफुल। और हम अभी दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी काफ़ी इंटीग्रेटेड हैं, ये हमारी पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो और हमारा मोमेंटम और स्पीड मेंटेन हो। ये कहा जाए मुख्यमंत्री दफ्तर के अधीन पहले जो है आप सीधा काम करते थे, क्या अभी आप ये कहा जाए कि डीजीपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस फ्रीडम अभी भी वैसी बदस्तूर जारी है या कुछ फ़र्क आया, कुछ अंतर आया? देखिए ये इस इशू को सीएम साहब आंसर कर सकते हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब आंसर कर सकते हैं, सो इट्स बेटर यू आस्क देम कि हम किस महकमे के नीचे काम कर रहे हैं। बट एज़ फार एज़ एंटी नारकोटिक्स वर्क इज कंसर्न, सीएम साहब की तरफ से हमारे को पूरी तरह फ्रीडम है कार्रवाई करने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि वैसे ही एसटीएफ जैसे पहले काम कर रही थी अभी भी वैसे ही काम कर रही है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। दूसरा सिद्धू साहब, एसटीएफ रिपोर्ट की अगर बात करें, एसटीएफ रिपोर्ट जो आई, आपको कहा गया था एसटीएफ रिपोर्ट सौंपने के लिए, उस पर आपने काम किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो एसटीएफ रिपोर्ट में जो ये कहा जाए कि रिपोर्ट जो आपकी है वो किस आधार पर आपने एसटीएफ रिपोर्ट दी? स्पेशल टास्क फोर्स ने जो हाईकोर्ट ने जो एसटीएफ रिपोर्ट मांगी थी उसके बारे में बात करें। वो हमने हाईकोर्ट को सौंप दी थी इन आई थिंक 1st of February एंड दैट इज़ विद द हाईकोर्ट, इट्स इन अ सील्ड कवर, उससे ज़्यादा मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता उस पर। जी मीडिया से और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए सिद्धू साहब बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब जो है नशा मुक्त जल्द होगा, एसटीएफ की जो का काम है, जो कार्य है, वो एसटीएफ उसी तरह से काम करती रहेगी और जल्द जो है उम्मीद की जाती है, क्योंकि लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, पंजाब की जनता उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब जो है नशा मुक्त हो और जो बड़ी मछलियाँ हैं वो भी जल्द पकड़ी जाए। We will do our best. Thank you very much and we'll seek your support in this. Thank you. Thank you. तो ये थे एसटीएफ प्रमुख जिनका ये मानना है कि ना सिर्फ ये कहा जाए कि नशा मुक्त पंजाब के लिए काम किया जाएगा बल्कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े ये कहा जाए कि ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व थी, उनको भी पकड़ने के लिए एसटीएफ काम करेगी। और जैसा कि एसटीएफ प्रमुख ने यह भी कहा कि सप्लाई लाइन जो है वो ड्रग्स की सीमा पार से जो है चोक की गई है, उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन एसटीएफ जो है उसकी मुहिम को वक्त लगेगा ग्राउंड पे असर दिखाने के लिए। कैमरामैन जयवीर रावत के साथ दिनेश शर्मा, तरन तारण।